आज हमारे बीच कई शहीद परिवार भी यहां उपस्थित हुए हैं। वो जवान किसी ना किसी तरीके से इस राज्य के वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। हमारे इन शहीद परिवार जो यहां उपस्थित हुए हैं, आज इस सम्मान समारोह में उनको सम्मानित तो किया गया, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से, मुझे लगता है इन्हें शायद हमसे कई और चीजें उम्मीद है। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि जो शहीद हुए परिवार किसी भी तरीके की कोई आपको सरकार से हमसे किसी तरीके की कोई बातें रखनी है तो आप निश्चित रूप से अलग समय लेकर हमारे पास आए। निश्चित रूप से आपकी जो भी ग्रीवांसेस होंगी, जो भी सहायता होगी, वो सहायता करने के लिए हम तत्पर हैं। आज समारोह में शायद बहुत कुछ वो कह नहीं पाए, लेकिन इतनी मानवता की नजरों से मैं बातें समझ सकता हूं कि वो भी कुछ कहना चाहते हैं। तो इसलिए आज हमारे लिए एक सम्मान का दिन है कि आज हम अपने राज्य में अपने अपने क्षेत्रों की जिम्मेवारी लेते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। हमारा ये बीस का जो वर्ष रहा है, ये कई तरीके से चुनौती भरा रहा है। आपने देखा है इस वैश्विक महामारी हमारे राज्य तक भी पहुंचा और हमारे इस पिछड़े राज्य के अंदर कितनी चुनौतियां हम लोगों ने खुद से अपने कंधे पे उठाए और कितने निडरता के साथ और कितने सहनशीलता के साथ हम इस संक्रमण में भी आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी चीजें आप सभी लोगों के सहयोग से ही संपन्न हो पाया है। आज इस संक्रमण में हमारे पुलिस बलों ने विभिन्न थानों में गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने का काम किया। निश्चित रूप से ये भी बहुत बड़ा सराहनीय हमारे पुलिस बल के लिए। कई बातें, आप कई बार संक्रमित हुए, कई बार स्वस्थ हुए, कई पुलिसकर्मी इस संक्रमण में मारे भी गए, संक्रमण ने इनको निगल लिया, उसका भी हमें दुख है। समय समय पर ऐसी कई चुनौतियां जीवन में आती हैं। संयम और धैर्य और ईमानदारी ही एक ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को मजबूत करते हुए लोगों के बीच में खड़े हो पाते हैं। सही नीयत, सही सोच के साथ हम आगे बढ़ते रहें, निश्चित रूप से
मंजिल हमारे कदम चूमेगी। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं, धन्यवाद, जोहार। अब महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। अब मैं श्री एमवी राव, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस झारखंड से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें श्री राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड। जोरदार तालियां। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय कुलपति श्री पीआरके नायडू, जो हमारे बीच कुछ ही महीनों पहले डीजी हेडक्वार्टर की ड्यूटी बखूबी निभा रहे थे। और अब परेड कमांडर द्वारा विसर्जन की अनुमति ली जाएगी। परेड कमांडर विसर्जन की अनुमति लेने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। उनके आंखों में चमक, झारखंड पुलिस को और उत्कृष्ट बनाने का स्वाभिमान। व्यावसायिक दक्षता की समाप्त हुआ विसर्जन की अनुमति चाहता हूं। श्रीमान सेकंड कमांड प्रहार ग्रहण करें।